हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं कौन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी कंप्यूटर पे आप पार्टिकुलर ड्राइव को हाइड कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपने कंप्यूटर के ड्राइव को हाइड और शो करा सकते हैं। तो गाइस, इससे क्या होगा, इससे आप अपने पार्टिकुलर डेटा को, जो वीडियोज़ या फोटो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपना छुपा कर रखना चाहते हैं, तो आप इजीली रख सकते हैं। कैसे आप इस ड्राइव को हाइड कर सकते हैं, कंप्यूटर के ड्राइव को हाइड कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे आप अपने कंप्यूटर के ड्राइव को हाइड कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कैसे हाइड करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको क्या कैसे ड्राइव को हाइड करना है। तो नॉर्मली गाइस, आपको सबसे पहले आपको बता दें कि आपको ड्राइव चेक करना है। तो ड्राइव आप सबसे पहले कंप्यूटर को खोल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चार ड्राइव देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सी डी ई और एफ, यहाँ पे दिख रहा है चार ड्राइव है यहाँ पे। अब चार ड्राइव में हम कोई एक ऐसा ड्राइव जिसे हम हाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको हाइड करने के लिए हम, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एफ ड्राइव को हम सेलेक्ट करते हैं जिसे हमको छुपाना है। तो इसके लिए हम एफ ड्राइव को सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे राइट लेके आपको प्रॉपर्टीज में जाके हम यहाँ से बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ड्राइव को हाइड नहीं करना है, नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे आपको यहाँ पे मैनेज मिल जाएगा। आप यहाँ से मैनेज जा सकते हैं, या तो फिर आप कंट्रोल पैनल से जा सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे कंप्यूटर पे राइट लेके आप यहाँ पे मैनेज पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको तीन तरीका बता दिया, तीन तरीका कैसे करना है, ठीक है। तो अब बारी है मैनेज को ओपन करने की। तो हम कंप्यूटर को खोल लेते हैं, कंप्यूटर पे मैनेज जो ऑप्शन है इसे हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैनेज ओपन कर लिए हैं। मैनेज जैसे ही खुलता है, तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल पे जो नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए फटाफट। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैनेज कंप्यूटर मैनेजमेंट खुल चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट आपको एक टूल दिखेगा, ठीक है। इस डिस्क मैनेजमेंट टूल पे आपको चले जाना है। अब जैसे इस टूल पे जाएंगे, आपको ड्राइव से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाइस, हमें यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि मैं एफ ड्राइव को हाइड करके आप लोगों को दिखाऊंगा, तो यहाँ पे एफ ड्राइव आपको शो कर रहा है। तो एफ ड्राइव पार्टीशन पे आपको राइट लेना है। राइट लेने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन से वो हाइड होगा। तो यहाँ पे चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे सिंपली से क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक ड्राइव तो यहाँ पे सेलेक्टेड दिख रहा होगा, सेलेक्ट ऑलरेडी, तो इसे रहने देना है वैसे ही। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऐड, चेंज एंड रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन करना है रिमूव। रिमूव करने से आपका ये मत सोचिएगा कि आपका सारा डेटा जो भी रखे हैं वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, वो सिर्फ हाइड होगा। मतलब कि यहाँ पे लोगों से यहाँ पे क्या करना है, छुपा देने के लिए हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम ओ यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पे अब इसे हम बंद करते हैं, ठीक है, इसे ही बंद करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो देखे तो ऑलरेडी छुप चुका है। हम वापस से आपको बंद करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे वापस से कंप्यूटर को खोल रहे हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एफ ड्राइव आपको शो नहीं कर रहा है। अब आपको शो कराना है, तो शो कराने के लिए आपको वापस से आपको मैनेज टूल में जाना है। तो यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट का टूल जैसे ही ओपन होगा, आपको सिंपली से वैसे ही पूरा फॉर्मल करना है, फॉर्मेटिंग करना है, जैसे कि आपने किया था हाइड करने के प्रोसेस में, वैसे ही सेम प्रोसेस आपको शो कराने में भी करना है। तो डिस्क मैनेजमेंट में चले जाना है, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट पे आप जैसे ही जाते हैं, आपको यहाँ पे ये ड्राइव जो है एफ ड्राइव है यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस पर हम राइट लेंगे। राइट लेने के बाद आपको वापस से चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स पे चले जाना है। अब इसमें गाइस देखिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, सिर्फ ऐड के अलावा, है ना। तो यहाँ पे हम नॉर्मली अब ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे बस ओके कर देना, आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा। अब यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन एक बार अगर नहीं दिखे तो आपको रिफ्रेश कर लेना होगा, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ड्राइव एप आ चुका है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जो से दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे। आप तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।